टुडे आई विल टेल अबाउट द फ्रैक्शन। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जो है फ्रैक्शन का, यानी भिन्न जिसको कहते हैं, यानी आप फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी भिन्नों को आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, वो डिवाइड हो, वो मल्टीप्लाई हो, उन फ्रैक्शनों को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन मीन्स होती है यानी भिन्न होती क्या है, यानी कोई भी एक जो कंप्लीट पार्ट होता है, पूरा भाग जो होता है, पूरी कोई चीज होती है, समझो ये है, तो ये कंप्लीट है, ये होल है, इसको हम होल कहेंगे, ये होल है, पूरा एक है। अगर हम इसी होल पार्ट को, एक कंप्लीट पार्ट को हम जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हम दो पार्ट में अगर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो एक भाग को कहते हैं हाफ, इसको कहते हैं हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। हाफ मीन्स होता है आधा, आधे भाग को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी एक पार्ट जो है, कोई एक चीज है, कोई एक सर्कल है, कोई एक एप्पल है, हो सकता है कोई ऐसी भी चीज हो जिसके हम 4 इक्वल पार्ट करते हैं, तो उसके एक पार्ट को कहते हैं 1/4, इसको 1/4, एक पार्ट को हम जो है 1/4 कहते हैं। इसी तरह से ये होती है फ्रैक्शन, कोई भी जो है, कोई एक पार्ट है, कोई भी एक चीज है, उसके हम दो बराबर भाग करते हैं, तो एक पार्ट को हम कहते हैं, एक भाग को हम कहते हैं 1/2, आधा भाग जो होता है उसको हम 1/2 कहते हैं। अगर उसी कोई एक चीज है और उसके हम चार बराबर भाग करते हैं तो एक भाग को हम कहते हैं 1/4 हम उसको कहेंगे। तो इस तरह से हम जो है, अगर हम इन पार्टों को ऐड कर देते हैं तो हम इन चारों पार्टों को, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इन चारों पार्टों को अगर हमें ऐड कर देते तो हमारा एक होल, एक कंप्लीट बन जाता है, हमारा 1 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जो है आज सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन होती है इनको कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे हम जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो लिखते हैं यहां पे 1/6 प्लस आपका हो जाएगा 3/6 ये टू पहली फ्रैक्शन हो जाएगी, ये दूसरी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी फ्रैक्शन लिखी जाती है, चाहे आप 7/10 लिख दो, आप 7/10, तो 7/10 में जो ऊपर वाला जो नंबर होता है और जो नीचे वाला, एक लाइन के ऊपर होता है, ये लाइन है, लाइन के एक नीचे नंबर है, एक ऊपर है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, उसको हम हिंदी में अंश कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंश, और डाउन वाला जो लाइन के नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और उसको हिंदी में हम कहते हैं हर, अंश और हर, ऊपर वाला नंबर अंश होता है और नीचे वाला नंबर हर होता है। तो इन नंबरों को हम इस तरह से, ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, यानी न्यूमिनेटर ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हमें अगर दो फ्रैक्शनों को, पहली फ्रैक्शन या दूसरी फ्रैक्शन है, इनको एड करना है, तो हमें पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर इक्वल है, हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और एक हर, एक डिनोमिनेटर को सेंटर में लिख देंगे, और जो उनके न्यूमिनेटर है, जो उनके अंश हैं, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, अब 4/6, तो 4/6 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप स्मॉल क्लासेस के हैं, यानी 3, 4, 5 तक के हैं, तो हो सकता है आपका 4/6 आंसर आपका जो है करेक्ट माना जाएगा, इतना ही आपके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है सीनियर क्लासेस में हैं, तो 4/6 जो है, ये फ्रैक्शन जो होगी, इसको आप लोएस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सरल ग्रुप बना सकते हैं, छोटा ग्रुप, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है अपने माइंड में जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 2, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा और 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा। तो इस स्मॉल क्लासेस के लिए तो 4/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो बिगर क्लासेस होती हैं उनके लिए 2/3 जो है आपका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा, 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 4/6 भी कहेंगे तब भी आपका करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में है तो आपको थोड़ा सा उसका लोएस्ट फॉर्म फाइंड करने, उसका सरल रूप फाइंड करना पड़ेगा, और 2/3 आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आप जो है फ्रैक्शनों का एड जो है इजिली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है फ्रैक्शनों का एड करेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपने लिख दिया 1/7 प्लस आपका हो जाएगा 4/7, ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी आपके डिनोमिनेटर की पहली फ्रैक्शन है 1/7 फर्स्ट फ्रैक्शन है, 4/7 आपकी सेकेंड फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब आपको पता है दोनों के डिनोमिनेटर यदि सेम है, दोनों का हर बराबर है, तो आप जो है क्या करेंगे, दोनों में एक सेंटर में आप जो है क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर लिख देंगे, यदि हर लिख देंगे, और न्यूमिनेटर जो जो आपके अंश है उनको आप एड कर देंगे। ओके, तो 1/4 एड करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5/7 कितना हो जाएगा 7। अब 5/7 ऐसा नंबर है जो हम सरल रूप इसका फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, चाहे आप स्मॉल क्लासेस के हैं चाहे आप सीनियर क्लासेस के हैं, तो 5/7 ही आपका जो है क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरह से अगर अगर आपको दो ऐसी फ्रैक्शन है आपके पास है जिनका डिनोमिनेटर ये नीचे हर अगर बराबर होता है, तो उसमें आप एक हर को लिखते हैं और जो आपके न्यूमिनेटर होते हैं जो अंश होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो वो आपका जो है क्या हो जाता है, वो आपका आंसर हो जाता है। अगर टू फ्रैक्शनों को तो आप इजीली ऐड करते सीख गए आप कि दो फ्रैक्शनों को कैसे ऐड करते हैं, दो जो भिन्न होती है उनको जोड़ने का तरीका क्या है, वो तो आपने दो उदाहरणों से आपने सीख लिया होगा। अब आप अगर आपके पास जो है कोई ऐसी फ्रैक्शन आ गई जब आप टू फ्रैक्शन के अलावा जो है 2/10 हो गया, 4/10 हो गया, और प्लस आपका जो है 3/10 हो गया, 3/10 हो गया, आपके पास पहली फ्रैक्शन होगी, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई, थ्री फ्रैक्शन अगर आपके पास हो गई है तब भी आपको जो है कुछ भी नहीं करना, सेम उसी मेथड से यूज करना है। आपको पता है पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 10 है, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 10 है, और तीसरी फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर है वो भी 10 ही है, तीनों के हर बराबर है, तो आप फिर उसी मेथड को यूज करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और सेंटर में लिख देंगे आप 10, क्योंकि उसको कॉमन रख देंगे आपके तीनों जो है फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर 10। आप क्या करेंगे, उनकी न्यूमिनेटरों को ऐड कर देंगे, 2+4+3, ये पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, ये दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, ये तीसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, इनको ऐड कर देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9/10। अब 9/10 आपका जो है आंसर हो गया, क्योंकि 9/10 को हम लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर 2 से जो है 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है, 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 से 10 डिवाइड नहीं होता है, 5 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 से 9 डिवाइड नहीं होता है, इस कंडीशन में आपका 9/10 ही आपका आंसर हो जाता है। अगर उसको लोएस्ट करना हो तो ऐसे नंबर से जो है आप उसको डिवाइड करेंगे जो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। तो ये तो एग्जाम्पल रहे इसके कि यदि आपको जो है यदि आपके जो है डिनोमिनेटर यदि आपके इक्वल है तो आप जो है अगर 2 फ्रैक्शनों को आप ऐड कर सकते हैं या 3 फ्रैक्शनों को आप ऐड कर सकते हैं, और यदि आपके पास जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा फ्रैक्शन आपके पास आ जाता है कि आपको जो है सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 2/10 प्लस आपका हो जाएगा 7/50, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि दोनों के जो है ना तो न्यूमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, देखो 7/15 है 2/10 है, ना तो न्यूमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों कंडीशन आपके पास हर भी इक्वल नहीं है और आंसर भी इक्वल नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में आप देख रहे थे हर आपका इक्वल आ रहा था, तो हर इक्वल आने के बाद जो है एक हर को आप सेंटर में, एक डिनोमिनेटर को आप सेंटर में लिख दे रहे थे और न्यूमिनेटर को ऐड कर दे रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास जो है क्या करना है, अगर आपको इनको ऐड करना है तो आपके इनके डिनोमिनेटरों को इक्वल करना पड़ेगा, और इसको एक बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, 10 और 10 and 15 का एलसीएम लेंगे आप, क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम जब आप इनका लेंगे तो क्या लेंगे 10 और 15, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो तब तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप एलसीएम इस तरह से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो 2 5 आपका 10 हो जाएगा, और 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो 15 को 15 15 ही लिखेंगे। अब
टू के बाद थ्री का टर्न आएगा क्योंकि टू से तो कोई नंबर ये डिवाइड होते नहीं है, तो थ्री का थ्री से फाइव डिवाइड नहीं होता, तो फाइव को फाइव ही लिखेंगे और थ्री फाइव का फिफ्टीन हो जाएगा। अब थ्री से तो ये अपना फाइव डिवाइड होता है ये वाला, तो आप सीधे फाइव से करेंगे, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, और जो ये नंबर है इनको मल्टीपल कर देंगे, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा और सिक्स फाइव जा आपका थर्टी। अब हमको पता लग गया है कि टेन और फिफ्टीन का एलसीएम कितना होता है, थर्टी। अब थर्टी होता है तो हमने क्या कर देना है, आपको पता है थर्टी आ गया। अब थर्टी आ गया तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लिखनी है, टू अपॉन टेन। हमने इसको जो है इस टेन को जो हमारा ये डिनोमिनेटर है जो कि हमारा हर है इसको हमने थर्टी बनाना है, तो टेन को किस नंबर से मल्टीपल करेंगे थर्टी हो जाए। तो ऐसा हमारे पास नंबर है, अगर हम टेन को थ्री से मल्टीपल करते हैं तो टेन थ्री जा थर्टी हो जाए, और अगर हमने जो है डिनोमिनेटर यानी हर को हमने थ्री से मल्टीपल किया है तो हम न्यूमिनेटर यानी अंश को भी जो है थ्री से ही मल्टीपल करेंगे, तभी उसकी वैल्यू इक्वल आएगी, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं होगा, वो समान नहीं होगा, असमान हो जाएगा। अगर हम उसको डाउन में अगर डिनोमिनेटर को हम थ्री से मल्टीपल करते हैं और न्यूमिनेटर को सेम रहने देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करते हैं उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीपल करते हैं, तो फिर हो जाएगा आपका सेवन अपॉन फिफ्टीन। अब हमें फिफ्टीन को कितना बनाना है, थर्टी बनाना है, क्योंकि हमने टेन और फिफ्टीन का एलसीएम ले लिया थर्टी, तो 15 इंटू टू हो जाएगा, किसी ने मल्टीपल करेंगे कि 30 हो जाए, यानी 15 टू जा। तो उसी तरह से अगर हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीपल किया है तो न्यूमिनेटर यानी 7 को भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे। ये हमने लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा आपका हो जाएगा 6 और 10 3 जा आपका हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा 7 2 जा आपका हो जाएगा 14 और 15 2 जा आपका हो जाएगा कितना, 30। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम हो गए हैं, अब दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए वो पहले से भी हमने सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर हो गए एक ही डिनोमिनेटर को लिखते हैं, जब हमारे हर इक्वल हो जाते हैं तो एक हर को लिखते हैं, तो फिर अंश को ऐड कर देते हैं, सिक्स पहली फ्रैक्शन का अंश जो है सिक्स हो जाएगा और फिर दूसरी फ्रैक्शन का अंश भी जो है आपको 14 हो जाएगा। ओके, अब ऐड कर दो इसको तो कितना हो जाएगा, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और 20 अपॉन 30। अब स्मॉल क्लासेस के लिए तो करेक्ट है ये आंसर, लेकिन अगर आपको जो है लोअस्ट थोड़ा सीनियर क्लास में अगर है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 टू जो 20 और 10 थ्री जो 30 इक्वल टू 2 अपॉन 3 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस तरह से आप इसको आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते। अगर आपको जो है 2/3 आपका आंसर आ गया या आपका 20/30 आ गया तो आप जो है अगर ये वाला मेथड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड के लिए आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट जो है एलसीएम आपने फाइंड कर रखा है, जैसे एलसीएम आपने फाइंड कर रखा है उसको लिख दो आप 30 और पहली फ्रैक्शन का नंबर लिखो 2 मल्टीपल डिनोमिनेटर जो है इस 30 को डिवाइड, 2 3 10 3 30 और प्लस हो जाएगा 7 फ्रैक्शन 7 जो है दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 7 इंटू 15 से इसको डिवाइड कर दो, उसका क्वेश्चन यहां पर लिखो यानी 15 2 30 सॉल्व करो 2 3 6 हो जाएगा प्लस 7 2 14 अपॉन 30 हो जाएगा और ऐड करेंगे 14 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 अपॉन 30 और फिर डिवाइड करेंगे किससे 10 से करो डिवाइड क्योंकि छोटा करना है आपको तो 10 2 20 और 10 3 30 तो 2/3 आंसर आपका आ जाएगा। पहले वाले जो मेथड हमने सॉल्व किया था उसमें भी 2/3 आया था, इस वाले मेथड से भी हमने सॉल्व किया 2/3 आया। तो इस तरह से आप जो है यदि आपके पास फ्रैक्शनों के जो है डिनोमिनेटर यदि सेम नहीं है न्यूमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम निकाल करके उनका जो है पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे और उसके बाद जो है आप उनको एड करेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस आपकी जो है सब्सट्रैक्ट की भी है। अगर आप लिखते हैं 7/9 प्लस आपका हो जाएगा 4/6, दो नंबर ऐसे हैं या इसके बीच में माइनस का साइन लगा दो क्योंकि आपको एड और सब्सट्रैक्ट सीखने हैं, एड और सब्सट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। अब आपको पता है कि इस ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें ना तो आपके न्यूमिनेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, ना आपका हर इक्वल है ना आपका अंश इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। ये इक्वल करने के लिए 9 और 6 को इक्वल करने के लिए आपको जो है 9 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो
एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता है, तो 9 को 9 लिखते रहेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगी। फिर अब 2 से 9 भी डिवाइड नहीं होता, 3 भी डिवाइड, तो 3 घटाना है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 3 इक्वल टू दैट 2 3 जा 6 और 6 3 जा आपका 18, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 18, यानी 7/9 4/6 को अगर आप ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया है 18, तो 7/9 सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, आपको इस 9 को कितना बनाना है, 18 बनाना है, तो 9 को किस नंबर से मल्टीपल करेंगे कि आपका 18 हो जाए, तो हमारे इजी है 9 को 18 होता है, और आपको मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करते हैं वही नंबर आपका न्यूमिनेटर से मल्टीपल होता है, तो 7 को न्यूमिनेटर को भी आप 2 से मल्टीपल कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, अब 6 को आपने किससे मल्टीपल किया है, 6 को आपको कितना बनाना है, 18 बनाना है, तो 6 को किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा, अब आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीपल किया तो न्यूमिनेटर को भी आप जो है 3 से मल्टीपल करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको 7 2 जा आपका हो जाएगा 14 और 9 2 जा 18 माइनस 4 3 जा आपका हो जाएगा 12 और 6 3 जा आपका 18, अब देखो आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो वो प्रोसेस आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल है या हर आपका इक्वल है तो एक हर को लिख देते हैं आप सेंटर में, एक डिनोमिनेटर को आप सेंटर में लिखेंगे और उसके जो न्यूमिनेटर है उनके जो न्यूमिनेटर है उनको या तो ऐड करना है तो उनको ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, सपोज यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है तो 14 से आप 12 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/18 हो जाएगा, 2/18 क्योंकि 14 से अगर आप 12 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2/18 बचेगा, अब 2/18 को हम लोएस्ट भी कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं, इसको कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को कट करेगा, तो ऐसा है 2 और 2 9 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9, इस मेथड से भी हम जो है इस तरह से हम जो है ऐड के क्वेश्चन, ऐड जो है फ्रैक्शन जो होती हैं उनको कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट के क्वेश्चन हैं उनको भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो इजीली हम किस तरह से जो है उनके न्यूमिनेटरों को ऐड करते हैं, और यदि हमारे पास 2 फ्रैक्शन है 3 फ्रैक्शन है तब भी हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं तो हम एलसीएम निकाल करके कि देखो उनका एलसीएम कैसे इक्वल करते हैं और फिर उनको किस मेथड से ऐड करते हैं, वो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए, आशा है आपको पसंद आएगा ये वीडियो और आप फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और बहुत इजीली जो है उनको सॉल्व करेंगे, थैंक यू सो मच।